वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं यार, कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो व्लॉगिंग वगैरह में नहीं आता है। व्लॉगिंग में मतलब जरा सा उसका लेना कोई देन उसका लेना देना है ही नहीं, मतलब व्लॉगिंग में। फिर भी मैं वो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बनाना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आजकल टीवी पे देख रहा हूँ, जहां जा रहा हूँ वही 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 चल रहा है, तो उसके ऊपर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे ना, तो लोग नहीं सुधरेंगे, और जब लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो अपने देश में ये चीज होती रहेगी। तो यार मैं, आप लोग समझ गए होंगे, या जो नहीं समझ पाए मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं हाथरस के, इसके बारे में। हाथरस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि हाथरस के बारे में बात कर रहा हूं। जो अभी हाथरस केस हुआ यूपी में, उसमें एक लड़की को रेप करके उसको खेत में जला दिया, ऐसा लोग ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो उतना नहीं देखा, और मैंने टीवी पे नहीं देखा, क्योंकि टीवी पे मैं उतना न्यूज़ नहीं देखता। मैं घर में एक्टिव ही नहीं रहता हूँ, तो मैं नहीं देख पाता। और रही बात जो लोग ये कर रहे हैं, उन अपना क्या वो रखते हैं, उन्हें वो रखते हैं, श्रद्धांजलि 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 दे रहे हैं लोग, बड़े बड़े माइक लगा के, बड़े बड़े स्टेज बना के, और बड़ा बड़ा हेलोजन लगा के, लोगों को बुला के, अपने पार्टी का झंडा पकड़वा के खड़े हो जा रहे हैं माइक लेके। हाँ, और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ, श्रद्धांजलि जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर एक पार्टी वही कर रही है आज। आज हर एक पार्टी के पास कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ ये काम है कि श्रद्धांजलि दो। अगर ये श्रद्धांजलि देंगे तो इन्हें पब्लिसिटी मिलेगी, न्यूज कवर करेगा, इन्हों कहां से लोकल न्यूज कवर करेगा, पर कवर करेगा। हाँ, तो ये पब्लिसिटी में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे यार, कि ये पार्टी नहीं, ये पार्टी, ये फलाना पार्टी श्रद्धांजलि दिया, ऐसा वैसा दो तीन काम करेंगे। तो ये सब करके क्या मतलब है? हाँ, तुम कुछ भी करो यार, उससे हमको लेना देना नहीं है। पर ये काम करो कि जो इंडिया में रेप हो रहा है ना, उसको बंद करो। समझ में आया साला? ये जितने भी ये अपराधी अगर निकलते हैं ना, सच्ची बात बता दूं, आज इंडिया में जितने अपराधी बनते हैं ना, सब पॉलिटिशियन ही होते हैं। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद ही बताओ। पॉलिटिक्स के ही बंदे होते हैं जो अपराध करते हैं, और पॉलिटिशियन के ही पहचान के होते हैं जो अपराध करते हैं और गलत काम करते हैं। जैसे कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, मैं कोई गलत काम का नाम नहीं लूंगा, और कोई पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, ना ही किसी पार्टी का नाम लूंगा। पर यह है कि पॉलिटिशियन के ही लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, क्योंकि उनके पास ही जिगरा होता है ये गलत काम करने का। अरे तुम्हारी माँ की आंख, तुम चूतिये हो क्या? अपने देश को सोने की चिड़िया बोलते हो। सोने की चिड़िया बोलते हैं, घंटा सोने का चिड़िया है, सोने का चिड़िया होता ना। आज अभी क्या गाली देने का मन करता है मेरे को, ये यूट्यूब में थोड़ा इज्जत से बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्या क्या गाली देता हुआ मालूम है भाई? थोड़ा प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। और साला यहाँ पे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे क्या घंटा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हाँ? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कुछ नहीं होता है साला। लड़कियां छोटे से स्कर्ट पहन के चली गई तो 50 लड़के उसको देखने लगे, अरे वाह क्या माल है यार, क्या माल है। ये होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हाँ? जहां तक कुछ हुआ, अरे वाह यार क्या आइटम है। ये होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हाँ? कोई औरत निकलने लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी, सुंदर लगी बेचारी, तो सीधा बोल देंगे अरे वाह यार क्या माल है। ये होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हाँ? ये होता है वुमेन सेफ्टी?
अरे कहाँ है वुमेन सेफ्टी, कहाँ है? इंडिया में तो झाट नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ इंडिया में तो नहीं है बिल्कुल। साला खाली बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसा, हमारे देश में वैसा। अरे एक हिंदू दा, मैं ये बोलता हूँ यार, कोई माने ना माने, साला हिंदुस्तान में अगर चाहे ना लोग, चाहे ना लोग, तो ये सब जो घटना हो रही है ना रोक सकते हैं, पर क्या करेंगे, आम पब्लिक मजबूर है। आम पब्लिक कर कर के कितना करेगी? पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले सुनते नहीं है, क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनके बाप लोग ने तो उनको बोल दिया रहता है ना, उनके बाप लोग का हाथ रहता है पुलिस वाले के ऊपर, तो केस लेते नहीं है, FIR लेते नहीं है, NC लेते नहीं है, तो आम पब्लिक क्या करेगी यार? कम से कम ये सब जो घटनाएं हो रही है उसके ऊपर कोई भी सरकार हो, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार हो, अगर जैसा आज हाथरस केस हुआ, फिर राजस्थान में 3 ये ऐसे केस हुआ, तो भाई ये सबसे अगर बचना है, बेटियों को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जितने भी अपराध, ये नहीं सीधा, तो ये तो कुछ नहीं होने वाला कि जितने अपराधी हैं सीधो सीधा मार दो, सीधा जेल में डाल दो, सीधा ये कर दो, भाई कुछ नहीं होता है। सबसे पहले सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी भाई। तुम्हारी सोच अच्छी रहेगी ना, तुमको हर चीज अच्छी लगेगी। जब तुम्हारी सोच खराब रहेगी ना, तो तुमको हर एक चीज खराब लगेगी, समझे? हम भी तो लड़के हैं यार, हमने तो कभी गलत नहीं काम किया। हाँ, हम क्या, हमारे अंदर जिगरा नहीं है? अबे हमारे अंदर जिगरा नहीं होता ना, तो आज ये लाइव बैठ के ना तुमको ना उल्टा सीधा नहीं बोल रहा होता, समझे? इतना जिगरा है, सीधा सामने आके उल्टा सीधा बोल रहा हूं, समझे कि नहीं? जिगरा इसको बोलते, इसको बोलते जिगरा। और हाँ, गलत काम करके जिगरा नहीं बनता, कुछ ऐसा काम करो जिससे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। साला कुछ गलत काम कर दोगे तो क्या नाम रोशन हो जाएगा? अबे हिंदुस्तान का नाम बनाओ, नाम बिगाड़ो मत, समझे? और हाँ, अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।